जेल में बंद कैदियों ने की जेल प्रहरी की मारपीट, कहा भाई और ताऊ से कहकर करवा देंगे गोलियों की बौछार। हमेशा विवादों में रहने वाली शिवपुरी की जेल आज एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। बीते रोज जेल में बंद कैदियों ने जेल प्रहरी सूरज सिंह की मारपीट कर दी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। फरियादी सूरज सिंह ने बताया कि वो जेल में प्रहरी के पद पर कार्यरत है। बीते रोज रात के समय वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगले दिन यानी कि 27 नवंबर को सुबह के समय बंदी कलुआ उर्फ राहुल पुत्र बाबूलाल, जो कि जेल के अंदर बंदियों से साफ सफाई का कार्य करवा रहा था, तभी हवालाती बंदी प्रदीप पुत्र राम भरत धाकड़ और अरुण पुत्र राम भरत धाकड़ दोनों सेक्टर नंबर 1 की खिड़की के पास आकर दंडित बंदी कलुआ उर्फ राहुल पुत्र बाबूलाल से गाली गलौज करने लगे। तब मेरे द्वारा दोनों हवालाती बंदियों को समझाया गया और कहा कि चलो तुम्हें जेलर साहब के समक्ष पेश करवा देता हूं। तभी मेरे द्वारा दोनों हवालाती बंदियों को जेलर साहब के समक्ष पेश किया गया। जेलर साहब दोनों हवालाती बंदियों को समझा रहे थे, तभी हवालाती बंदी प्रदीप पुत्र राम भरत धाकड़ दंडित बंदी कलुआ उर्फ राहुल पुत्र बाबूलाल को मारने दौड़ा। तभी मेरे द्वारा उसको पकड़ लिया गया, अलग किया गया। उसके बावजूद उक्त हवालाती पुनः खड़ा होकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली गलौज करने लगा, धमकी देने लगा कि आप हमको जानते नहीं हो, हम लोग मर्डर करके आए हैं, आपने भाई निरपत पुत्र रमेश पिताजी राम भरत और ताऊजी रमेश से बोलकर जेल पर गोलियों की बौछार करवा देंगे और 2-4 सिपाहियों में गोली दिलवा देंगे, हम बहुत शातिर हैं, आप लोग जेल कैंपस से नहीं निकल पाओगे। दोनों हवालाती बंदी प्रदीप पुत्र राम भरत धाकड़ और अरुण पुत्र राम भरत धाकड़ के द्वारा जेल के अंदर अनुशासनहीनता कर मारपीट की गई है। मामले में पुलिस ने फरियादी की शिकायत के आधार पर विवेचना शुरू कर दी है। ये मर्डर के केस में दो आरोपी सन 19 से बंद हैं सुभाष प्रधान, उनका वहीं किसी अन्य बंदी से विवाद हुआ, उस विवाद के बीच बचाव में सूरज सिंह पैरी पहुंचे थे, तो उन दोनों आरोपियों ने उस बंदी को छोड़कर इनके साथ मारपीट कर दी थी प्रेरी के साथ। तो इसमें किस तरह की कार्रवाई की? इसमें 353 की कायमी है दोनों के खिलाफ और कारागार अधिनियम है।